यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको दिख रहा है सेशन आपके तरफ से स्टार्ट हो गया है, तो प्लीज एक बार हाय, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जो भी लिखना चाह रहे हैं आप लोग प्लीज एक बार लिख दीजिए, जिससे कि जो हमारी जरूरी बात है, जो यहाँ हम पे पहुंचाना अगर चाहते जितने हैं भी आप सब स्टूडेंट्स तक, हैं, अगर आप प्लीज एक बार हमको पता चल जाए. ठीक है, ओके, फाइन. तो यहाँ पे गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मुझे दिखने लगा है सबका हाय हेलो आने लगा है, एंड हमारा सेशन भी स्टार्ट हो चुका है. तो गाइस, मैं पहले अपने आप को एक बार इंट्रोड्यूस कर देती हूँ. आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो मुझे जानते भी होंगे पहले से, ठीक है. कई सारे होंगे जिन्होंने मेरे से पढ़ाई भी करी होगी इसी सेम चैनल पे. तो गाइस, मेरा नाम है स्वप्निल अग्रवाल. मालविया क्लासेस का जितने भी लेक्चर्स जाते हैं आपकी लखनऊ की टीम की तरफ से, जितने भी लेक्चर्स जाते हैं आपके लखनऊ स्टूडियो से, चाहे आपका हिमांशु सर का हो, अमित सर का हो, अनन्या मैम का हो, प्रिया मैम का हो, इंग्लिश कॉन्स, रीजनिंग जीएस, सारे लेक्चर्स यहाँ पे लखनऊ टीम के मैं मैनेज करती हूँ. मैं स्वप्निल अग्रवाल हूँ, एंड मालविया क्लासेस का लखनऊ स्टूडियो पूरा मैं मैनेज करती हूँ. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन. जी, तो गाइज, यहाँ पे आप सब लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो यार अनन्या मैम की क्लास होनी थी, यहाँ तो एसपी बख्शी का बैनर लगा है अनन्या मैम के टाइमिंग्स पे, स्वप्निल मैम आज क्या कर रही हैं यहाँ पे. तो गाइज, यहाँ पे आप लोगों को हर पर्सन ने, हर टीचर ने बोला है कि अनन्या मैम को आप लोगों से कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी थी. अब वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्या हुआ ऐसा कि मुझे आज, क्योंकि मैं हमेशा कैमरे से पीछे रह के सब कुछ मैनेज करती हूँ, क्या हुआ कि मुझे आज कैमरे के सामने आके आप लोगों से बात करनी पड़ी? क्यों अनन्या मैम ने इतनी इमरजेंसी में सारे टीचर से बुलवा के सारे स्टूडेंट्स को यहाँ बुलवाया? तो ये बात हम खुद अनन्या मैम से पूछेंगे. तो अनन्या मैम हमारे साथ ही हैं, आ जाइए अनन्या मैम आप प्लीज, एंड बात कर लीजिए. आपके स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है. तो अनन्या मैम गाइज हमारे साथ हैं. अनन्या मैम को आप लोगों से कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, तो अनन्या मैम अब बात करेंगी. हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून. पहले तो सबसे पहले सबको हाय, हेलो, नमस्कार. अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. मैंने इतनी इमरजेंसी में स्वप्निल मैम से कह के ये लेक्चर क्यों रखवाया है, रीज़न समझिएगा. देखिए गाइस, मेरी भी फैमिली है, राइट? आप लोगों ने खुद देखा होगा, जब मैं पढ़ाती हूँ मैं कभी आपको मना नहीं करती हूँ कि आप लोग मस्ती कर मत करो, है ना. लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मस्ती करने में और भद्दे कमेंट्स पास करने में एक डिफरेंस होता है, बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है. और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे सिर्फ भद्दे कमेंट्स पास करने ही आते हैं. तो मेरी भी फैमिली है, वो लोग भी मेरे लेक्चर्स देखते हैं, मेरे पूरे रिलेटिव्स लेक्चर देखते हैं. और उनने मुझसे खुद ये बात कही कि क्या आप ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो? क्या सच में मेरी जेंट्री, मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं? तो इसीलिए मुझे इतना बुरा लगा ये सुन के, क्योंकि मेरे जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे डेली पढ़ते हैं, जो जेन्यूनली मेरी क्लास करते हैं, उनसे मेरा एक कनेक्शन जुड़ चुका है, एक रिश्ता है हमारे बीच में स्टूडेंट और टीचर का, जिनके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ. मैं रात में 3-4 घंटे तक जगती हूँ सिर्फ इसलिए कि क्या ऐसा मैं उन लोग को बताऊँ, किस तरीके से हिंदी में इजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को हर चीज़ समझ में आए. मेरी मेहनत लगती है, मुझे लगता है ठीक है 3-4 घंटे लग जा रहे हैं, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको एकदम बेसिक से इंग्लिश पढ़नी है, उनको हर चीज़ समझ में तो आए. मेहनत मैं कर रही हूँ आपके लिए, ऐसा नहीं है कि मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है इसके लिए कि एक्स्ट्रा आप काम कर रहे हो तो एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरा कनेक्शन उनसे जुड़ा हुआ है, तो उनको बेस्ट चीज़ मिले, मैं उनको बेस्ट प्रोवाइड कराऊँ. लेकिन फिर भी अगर मुझे रिस्पॉन्स सामने से ऐसा मिल रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि सारे स्टूडेंट आप ऐसे ही हो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे समुद्र को बेकार करती है, इस टाइप का कुछ है ना प्रोवर्ब टाइप का कहावत, वही वाली चीज़ है बिल्कुल यहाँ पे. लेकिन अब बात ये आती है कि इतने मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो मुझसे सीरियसली पूरी एसपी बख्शी यहाँ पे करने आए थे, उनके बारे में क्या, उनका क्या होगा अगर मैं चली जाऊंगी? क्योंकि मेरा मन अब यहाँ पे यूट्यूब पे क्लास लेने का नहीं है. मुझे घर से भी बोला गया है कि अगर ऐसे तुम्हारे स्टूडेंट हैं जो तुमको ऐसे कमेंट्स करते हैं तो आप क्यों पढ़ा रहे हो उनको. और मुझे खुद लग रहा है, अंदर से इतना बुरा लग रहा है कि मैं क्यों कर रही थी इतनी मेहनत, क्यों कर रही थी. अगर आप लोग को मुझसे ऐसे मतलब रिस्पेक्ट नहीं करनी है तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? तो देखिए इसीलिए. लेकिन अब ये भी है कि जो मेरे सीरियस स्टूडेंट्स हैं, लॉस तो उनका भी हो रहा है, लॉस आप उनका लोग भी को गाइज होगा. मैं एक बात बता दूं कि हम सब ने एग्जाम्स क्लियर भी किए हैं, तैयारी भी करी है, तो हम लोग को पता है कि एसपी बख्शी जो बुक यहाँ पे अनन्या मैम आप सभी को करा रही हैं, उसको पढ़ने में कितनी मेहनत लगती है. पूरा पूरा लोग दो दो तीन तीन महीना करते रह जाते हैं, लेकिन उनकी एसपी बख्शी कंप्लीट नहीं हो पाती है. डेली अगर आप
3 घंटे भी पढ़ाई करोगे तो भी आपकी जाके 3 महीने तक आप एसपी बख्शी को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे तब जाके। तो 3 घंटे मैंने इनसे क्या बोला है, मैंने बोला है कि मैक्सिमम 30 दिन लगेंगे इस एसपी बख्शी को कंप्लीट होने में। आपको पता होगा, हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, हम लोगों कि कितना टाइम लगता है। हम लोगों ने सबने मिलकर इस तरीके के लेक्चर्स प्लान किए कि आप हर स्टूडेंट, अगर 1000 स्टूडेंट देख रहे हो और 3 घंटे भी आप पढ़ रहे हो ना, तो 3000 घंटे वेस्ट हो रहे हैं अनन्या मैम के स्टूडेंट्स के, हमारे स्टूडेंट्स के, मालविया क्लासेस के स्टूडेंट्स के। तो 3000 घंटे उनके ना वेस्ट हो, इसी वजह से हमारा हर टीचर एक्स्ट्रा 3 घंटे 6-6 घंटे मेहनत करके इतनी बड़ी बुक को 1-1.5 घंटे के लेक्चर में कैसे कन्वर्ट करता है, आप खुद सोचिए कितनी मेहनत लगती होगी। इतनी मेहनत के बाद भी आप देखो इतने भद्दे कमेंट्स। गाइज, वी आर गर्ल्स, ठीक है, हम लोगों के घर पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं, सीरियसली ये पढ़ने आते हैं क्या यहाँ पे? आपने भी सुना होगा, इवन exactly. जब मैंने भी लेक्चर्स लिए हैं, मैंने भी कई जगह पढ़ाया है, मैं खुद भी देखती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। गाइस, कुछ आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी जो बहनें हैं वो होंगी हमारी एज की, ठीक है, तो आप ऐसे कमेंट्स करते हो तो कितना बुरा लगता होगा। सोचिए गाइस, दिल से बुरा लगता है कि इतनी पढ़ाई आप करो, इतनी पढ़ाई करने के, इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको ये रिस्पॉन्स मिल रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि सारे स्टूडेंट्स ऐसा रिस्पॉन्स करते हैं, बट अनन्या मैम का भी मैंने देखा है, मैं पूरे लेक्चर्स मॉनिटर करती हूँ, किसी मेल टीचर के में कभी ऐसा कमेंट नहीं आता है, लेकिन फीमेल टीचर्स में ही कमेंट आते हैं, ठीक है, हमेशा फीमेल टीचर्स में ऐसे कमेंट्स आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मेहनत हम लोग कम कर रहे हैं, ऐसा है क्या कि फीमेल टीचर्स कम मेहनत कर रही हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि टीचर हैं, इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश आपको कोई मेल टीचर पढ़ा रहा है, मेहनत तो उतनी ही लग रही है, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हम एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं क्योंकि हम लड़की हैं, हमें घर पे भी काम करना है यार। घर पे जाते हैं तो मम्मी ये एक्सपेक्टेशन करती हैं कि भैया लड़की ऑफिस से आई है वो हेल्प कराएगी, ये मम्मी की एक्सपेक्टेशन तो रहती है। मुझे मम्मी की हेल्प करानी है, प्लस मुझे जाके अपने स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर तैयार करना है, ये सोचना है कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊं, आपको प्रेजेंट करूं कि आपको पूरी चीज समझ में आए। तो इसमें आप मेरी मेहनत तो सोचिए, घर पे मैं काम कर ही रही हूँ, ऐसा नहीं है कि अब आपको पढ़ा रही हूँ तो कोई काम नहीं करना है, मुझे घर का भी काम करना है, पेरेंट्स को भी देखना है। मेरे पेरेंट्स सिर्फ अकेले हैं घर पे, मम्मी पापा सिर्फ अकेले हैं और मैं हूँ, तो मुझे दोनों पेरेंट्स को देखना है, मुझे घर देखना है, मुझे ऑफिस आना है, मुझे लेक्चर भी लेना है। तो आप मेरी मेहनत समझिए, मेरा हार्डवर्क समझिए। तो उसके बाद भी अगर मुझे रिस्पॉन्स ऐसा मिल रहा है तो फिर सोचिए मेरे को अंदर से कितना बुरा लग रहा है, ये चीज़ तो आप सोचिए। मतलब मैं लिटरली मैं एक दिन तो रो दी थी हर्षा मैम के सामने, स्वप्निल मैम के सामने, इतना बुरा मुझे लगा था कॉमेंट देख के। अब आप समझिए, आपकी वजह से अगर आपका कोई टीचर रो रहा है तो कितनी बुरी बात है, ये कॉमेंट देख कर मुझे रोना आ गया था। लेकिन चलिए, बातें किनारे करते हैं ये वाली, क्योंकि अब बात उनकी आती है जो हमारे स्टूडेंट सीरियस हैं, है ना, जो सीरियस स्टूडेंट हैं जिनको तैयारी करनी है, बात उनकी आती है। क्योंकि अगर बुरे स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट का लॉस नहीं कर सकते, हमें उनके बारे में भी सोचना है जो मुझसे जेन्युइनली यहाँ पे पढ़ने आते हैं, मेरा लेक्चर कंप्लीट करने आते हैं। गाइस, यहाँ पे इतना बुरा लगा है हम लोगों को, इतना बुरा लगा है कि इतना ज्यादा बड़ा डिसीजन लेने पर अनन्या मैम मजबूर हुई हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि क्यों, यहाँ पे अनन्या मैम ने जो डिसीजन लिया है वो आप सभी के लिए, मतलब ऐसा एक डिसीजन है जो कि शायद आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि कोई भी टीचर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के कमेंट्स देखकर लेगा। आप समझ सकते हो, मैं कमेंट्स देखती हूँ, वहाँ पे हमारी टीम में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, मैं वहाँ पे इकलौती फीमेल हूँ जो पूरी टीम मैनेज कर रही हूँ, उसके बाद बाकी सारे मेल्स होते हैं, हम सब जब देखते हैं ना इतने कमेंट्स आते हैं कि मुझे शर्म आ जाती है, मैं उठ के चली जाती हूँ। आपको पता है, मैं लिटरली उठ के चली जाती हूँ, मुझे इतने गंदे कमेंट्स लगते हैं, मैं कहती हूँ भैया आप लोग देख लो, मैं नहीं देख पा रही हूँ ये कमेंट्स, मैं उठ के चली जाती हूँ। ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं कुछ कुछ लोग। मैंने तो कितनी बार कंप्लेन किया है आपसे स्वप्निल मैम, कितनी बार मैंने ये चीज बोली है कि मैम देखिए कैसे कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स से तो इमोजीज ऐसे भेज देंगे कि मुझे शर्म आ जाए क्लास में। अब आप सोचिए कि हम कमेंट्स डिलीट करते हैं, अब अगर मैं बैठ के क्लास रोक के सिर्फ कमेंट डिलीट करने पे लगी हूँ तो मैं आपको पढ़ाऊं या कमेंट डिलीट करूं, बता दो। और कई सारे स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं मैम ब्लॉक करो, अब आप ये सोचिए कितनों को ब्लॉक करें हम। 2000-2000 बच्चे लाइव पढ़ते हैं, 2000-2500 ऐसे बच्चे लाइव पढ़ते हैं, और 2000-2500 में 250-300 बच्चे ऐसे होते हैं, 400-400 कभी कभी तो ऐसा होता है, हजारों कमेंट्स ऐसे आते हैं, तो किनको किनको हम ब्लॉक करेंगे बैठ के? आप बस ये बताइए, क्या ये पॉसिबल है? क्या हम लोग यहाँ पे बैठ के ब्लॉक करें और पढ़ाना छोड़ दें? नहीं पॉसिबल है। इसीलिए इतना बड़ा डिसीजन लेने पर पूरी टीम मजबूर हुई है, पूरी टीम नहीं लेगी, ऐसा नहीं है कि आपके मेल टीचर्स में ये कमेंट्स आते हैं तो मेल टीचर्स ये डिसीजन ले रहे हैं, ये जो डिसीजन है वो सिर्फ अनन्या मैम का डिसीजन है।
YouTube पे मैं नहीं ले पाऊंगी आपसे। अब ये तो है कि मतलब इतने कमेंट्स मैंने देख लिए हैं, घर वालों का मैंने सुन लिया है कि ऐसे कमेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स को अब तुम मत पढ़ाओ, तो अब आई एम रियली वेरी सॉरी, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन यूट्यूब पे यहाँ पे इस चैनल पे मैं नहीं ले पाऊंगी लेक्चर्स, आई एम सो सॉरी। सोचा मैंने ये था कि 30 दिन के अंदर पूरी SP बख्शी आपकी कंप्लीट करवा के जाऊंगी, प्रॉमिस किया था मैंने, हर दिन बोलती थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट डेली होगी, लेकिन जब रिस्पॉन्स सामने से ऐसा आ रहा है तो इसमें मैं क्या करूँ, आप लोग मुझे बताओ ऐसा मैं क्या करूं। मैं अपनी मेहनत कर रही हूं, मैं एक्स्ट्रा वर्क कर रही हूं, एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूं आपको फ्री में कंप्लीट प्रोवाइड करवाने के लिए पूरा सिलेबस, फिर भी आप ऐसा रिस्पांस दे रहे हो मुझे, बताइए क्या करें फिर हम। सिर्फ एक उपाय था, मैंने डिस्कशन किया ये स्वप्निल मैम से, काफी देर तक हमारा डिस्कशन चला, मैंने रात में भी बहुत सोचा, दिन से डिस्कशन चल रहा था इस बात पे कि इतने गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, हम लोग सोच रहे थे कि अब यार अब तो ठीक है, अब शायद कम हो जाए, शायद स्टूडेंट्स अब सीरियस हो जाए, लेकिन कहते हैं ना कि पानी सर के ऊपर निकल चुका है, तो अब यही बात हो गई है कि पानी हमारा सर के ऊपर जा चुका है, हमारे सब्र का बांध एकदम टूट चुका है, और अब हम ये चीज बिल्कुल भी नहीं अलाउ कर सकते कि हमारी फैकल्टी वो भी इतने बड़े चैनल पर इतने गंदे कमेंट्स देख रही हैं। क्लास से जब वो निकलती हैं तो वो लिटरली कभी कभी ऐसा होता है कि वो आंसू उनके आ जाते हैं आंख में, हम लोग कहते हैं मैम प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए, रोइए मत, हो जाता है कभी कभी, लेकिन हम कितना समझाएं यार, आप खुद सोचो, डेली मैं उनसे कह रही हूं कि अनन्या प्लीज आप रो मत, अनन्या मैम प्लीज आप रोइए मत, आप सोचो कि मुझे नहीं बुरा लगता है, मैं खुद जानती हूं कि अगर मैं ऐसे कमेंट्स देख के निकलूंगी तो मुझे रोना आ जाएगा, वो भी हमारी टीचर है, आप सबकी बहन की उम्र की हैं, आपकी बहन अगर देखा जाए, आप उनको अगर टीचर ना समझें, आप अपनी बहन जैसा समझें, तो क्या आप सीरियसली ऐसे कमेंट्स देख पाएंगे, या कोई भी देख पाएगा अपने किसी भी रिलेटिव के लिए ऐसे कमेंट। अनन्या मैम का जो भाई है वो भी हमारी ही एज का है, वो जब देखता है अपनी बहन के लिए ऐसे कमेंट्स तो थे, सोचिए क्या लगता होगा उसको कि उसकी बहन के लिए कोई ऐसे कमेंट्स कर रहा है। भैया खुद बोलता है कि तुम्हें जरूरत ही नहीं है ऐसे जगह क्लास लेने की जहां पे तुम्हारे स्टूडेंट्स तुमको ऐसे बोले, लेकिन फिर मैं बोलती हूं कि ये बात आती है कि मेरा कनेक्शन आप लोगों से है, रिश्ता जुड़ा हुआ है, उनको मैं कैसे छोड़ दूं जो मुझसे डेली पढ़ने आते हैं, मुझे नाम भी याद है, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे डेली पढ़ने आते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, कंसेप्ट भी बताते हैं मुझे, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फिर मैंने सोचा कि अब सबको छोड़ दूंगी तो फिर ऐसे भी नहीं चल पाएगा। एक दो कमेंट्स की वजह से स्टार्टिंग में था कि एक दो कमेंट्स आते थे, धीरे धीरे टाइम के साथ वो बढ़ते गए, मतलब अब तो इतना हो गया है कि हर दिन मेरे लेक्चर के बाद या तो आप नीचे कमेंट्स देख लो या तो लाइव कमेंट्स, आप लोग भी जानते हो, आप लोग भी कमेंट्स में रहते हो, सब लोग देखते हो कि किस तरीके के कमेंट्स आते हैं मेरे लेक्चर में, सबके में ऐसा नहीं होता है लेकिन मेरे में स्पेशली इतने गंदे कमेंट्स आते हैं कि मतलब मैं सोचती हूँ मैं यहाँ पढ़ाने आई हूँ या क्या करने आई हूँ, जो आप ऐसे कमेंट्स कर रहे हो। जस्ट बिकॉज वो एक फीमेल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस तरीके के कमेंट्स आपसे लेंगी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स की बात अलग होती है, बहुत सारे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स भी आते हैं, लेकिन कुछ इतने भद्दे कमेंट्स आते हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि उनको डिलीट करना तो छोड़ो, उनको देखने तक की हिम्मत नहीं होती, आप पता है, आप ये सोचिए बस, इतना गुस्सा आता है वो कॉमेंट्स देख के कि मन करता है कि क्या कर लो ऐसा, लेकिन फिर भी क्योंकि कमिटमेंट है टीचर का कि हमें अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना है, इसका मतलब ये थोड़ी ना यार कि हम अपनी स्वप्निल मैम कमिटमेंट की भी बात नहीं है, इनफैक्ट ये बात होती है इमोशंस की, रिलेशंस की, जो मेरा इमोशनली मैं अटैच्ड हूँ आप लोगों से इतना ज्यादा, मैं बोल रही हूँ ना कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं जो डेली मुझे दिखते हैं, मैं लिटरली उनका मुझे नाम याद है, मुझे डेली दिखते हैं वो, लेकिन फिर मुझे यही लगता है बस इसी वजह से हमारा डिस्कशन हुआ है, इसी वजह से मैंने तो सोचा था कि मैं अब नहीं लूंगी, क्लास में नहीं आऊंगी, लेकिन स्वप्निल मैम ने मुझे कन्विंस किया है कि नहीं मैम आप एक बार आइए, एक बार बात करिए, कुछ सोचते हैं, कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि मैंने यही बोला कि उन सोल्यूशन का, उन स्टूडेंट्स का लॉस ना हो जो सीरियस हैं, तो हम लोगों ने मिलकर ये सोल्यूशन निकाला एक कि क्या किया जाए कि जो सीरियस वाले हैं वो मेरे पास रह जाएं, जितने सीरियस नहीं हैं जो सिर्फ भद्दे कमेंट्स पास करने आए हैं जो सिर्फ यहाँ पे बदतमीजी करने आए हैं, पता है मस्ती की एक अलग बात होती है मस्ती की, मैम आज 5 मिनट बात करते हैं, मैम आज आप लेट आए हो, ये सब कमेंट्स बियरेबल होता है, ये सब अच्छा लगता है, अच्छी चीजें होती है मस्ती करने, हम ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे लेक्चरार नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी में आप नहीं पढ़ रहे हो कि टीचर आया गंदा सा बुड्ढा सा टीचर वो पढ़ाने लगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम लोग सब आपके सेम एज ग्रुप के हैं, मस्ती करने आते हैं, बात करने आते हैं, सीरियसली पढ़ाने आते हैं, इतनी बड़ी बुक को हम लोग जब 3 महीने में जो कोई भी इंसान कवर पर पाएगा, जो हम लोग 1 महीने में कवर कराने का जब दावा रखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत, बिल्कुल खून पसीना एक करके मेहनत करके इतनी बड़ी बुक को 1 महीने में कवर कराने की हिम्मत भी रखते हैं, दावा भी रखते हैं, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स की वजह से, कई बार ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ आप लोग के कमेंट्स की वजह से इतना बड़ा डिसीजन लेने पर आज अनन्या मैम मजबूर हुई है कि उन्होंने कहा बस अब बहुत हुआ, अब हम यूट्यूब पर लेक्चर नहीं ले पाएंगे।
क्यों हुआ ऐसा? पॉसिबल नहीं है किसी भी लड़की, मतलब मेरा अंदर से मन ही नहीं हो रहा है अब। मेरा मतलब मैं आई थी पढ़ाने, आप देख रहे हो ना, मैं आई थी पढ़ाने, लेकिन अब मेरा मन ही नहीं हो रहा, मेरी आत्मा नहीं मुझे अलाउ कर रही है कि मैं लेक्चर लूँ यहाँ पे, ऐसे कमेंट्स की वजह से। क्योंकि मुझे याद आते हैं हर दिन, मैं घर जाके रात में लेटती हूँ तो मुझे यही कमेंट्स मेरे दिमाग में चलते हैं। आपको पता होगा कि अगर लड़कियां थोड़ी सी वीक होती हैं, इमोशनली वीक होती हैं, मैं और स्वप्निल मैम के साथ तो है ना, कोई भी तेज आवाज में बात करेगा हम रो देते हैं, हम लोग इतने इमोशनली वीक हैं। अब आप सोचिए ऐसे कमेंट्स देख के रात में मुझे लिटरली बैठती हूँ तो मुझे रोना आता है। जब पापा के सामने बैठते हैं डाइनिंग टेबल पर तो कभी कभी ऐसा लगता है अपना तो लेक्चर चलाने में शर्म आती है। आप सोचिए कि हम लेक्चर जब चलाते हैं तो लाइव चैट भी रिप्ले का उसमें ऑप्शन होता है, और जब हमारे पापा बैठ के, हमारे पिताजी हमारे सामने बैठ के वो कमेंट्स पढ़ते हैं, तो आप समझ नहीं सकते कि दिल पर क्या बीतती है एक लड़की के जब वो ऐसे कमेंट्स देखती है, और वो भी तब जब वो उसका भाई, उसका बाप, उसकी मम्मी उसके सामने बैठ के वो कमेंट्स पढ़ रहे हो। आप नहीं समझ सकते अनन्या मैम इमोशनल यहाँ पर हो जाएंगी, मुझे पता है वो रोने लगेंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा वो अटैच हो गई हैं आपसे। इतने कम दिनों में इतना अच्छा रिश्ता आपसे बन गया है, लेकिन सिर्फ उस रिश्ते को खराब करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं। आप सोचिए ना क्या बीतती होगी। नहीं समझ सकता कोई भी इंसान, कोई लड़की ही शायद होगी जो समझ पाएगी, बल्कि हर लड़की भी नहीं समझ सकती, क्योंकि हर लड़की के एक या दो गंदे कमेंट्स करने वाले लोग होते हैं, यहाँ पे 800-900 लोग इतने गंदे कमेंट्स करते हैं, आप समझ नहीं सकते हैं कि क्या बीतती होगी। इसीलिए अनन्या मैम ने डिसीजन लिया, हम लोगों ने बहुत बहुत सोचा कि इतना बड़ा डिसीजन लेना क्या सही होगा, बट फाइनली अब अनन्या मैम ने डिसीजन ले लिया है कि वो यहाँ पर YouTube पर लेक्चर्स नहीं लेंगी, वो YouTube पर लेक्चर नहीं ले पाएंगी। लेकिन फिर इतना सब कुछ हमने सोचा, हमने कहा यार इतना ज्यादा यहाँ पे अनन्या मैम के स्टूडेंट्स आ गए हैं, इतना ज्यादा अनन्या मैम के स्टूडेंट्स आ गए तो उसके लिए क्या किया जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने ये सोचा है कि जितने भी यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, पहली चीज तो आप लोगों का एसपी बख्शी कवर हो ही रहा था, बाकी आप लोगों के लिए जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अनन्या मैम एक अनाउंसमेंट करेंगी, तो वो अनाउंसमेंट अनन्या मैम से ही सुन लेते हैं। तो चलिए फिर, मैंने बोला था कि बुरा मुझे बहुत लग रहा है, मैंने बोल दिया है साफ बिल्कुल शब्दों में बोल दिया है कि YouTube पे मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी। मैंने मालविया सर को बोल दिया है, मैंने स्वप्निल मैम को बोल दिया है कि मुझसे नहीं हो पाएगा अब YouTube पे, क्योंकि इतने कमेंट्स देखने के बाद मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं रह गई है कि मैं और ऐसे कमेंट्स देखूं, नहीं हो पाएगा मुझसे। तो लेकिन फिर बात उन्हीं की आती है जो मुझसे हर दिन पढ़ने आ रहे हो, जिन्होंने मुझसे बोला है कि मैम पूरा तो करा दोगी ना आप, मुझे अभी भी कमेंट्स, जब मेरा लेक्चर स्टार्ट नहीं हुआ था तो भी मुझे कमेंट्स दे रहे थे कि मैम बुक तो पूरी होगी ना, उनसे मैं अपना कमिटमेंट कैसे तोड़ूं, बताइए आप कैसे मैं अपना कमिटमेंट तोड़ दूं, ये तो मुझसे होगा नहीं। तो देखिए, मैंने इसीलिए हम लोगों ने डिस्कशन करके एक लॉन्च किया है, मतलब इनफैक्ट लॉन्च क्या जबरदस्ती का ही है, क्योंकि बस मुझे आपके साथ जुड़े रहना था, सिर्फ इसलिए ये नया बैच लॉन्च हुआ है कि मुझे आपके साथ जुड़े रहना था, उसके लिए हमने बैच लॉन्च करवाया है। देखिए मैंने अपना इसलिए मैंने ऐप पे लॉन्च करवाया है क्योंकि मुझे अब सारे भीड़ से नहीं जुड़ना है, भीड़ से जुड़ना मेरा मकसद ही नहीं है, पैसे कमाना मेरा मकसद नहीं है, मुझे सिर्फ उन स्टूडेंट से जुड़े रहना है जिनको मुझसे सच में पढ़ाई करनी है, सिर्फ मुझे उनसे जुड़ना है। एंड सिर्फ, अब देखो पहले ये था कि फ्री है भैया, कोई घर में खाली बैठा है, फोन में डेटा है 2 GB, चलो भाई थोड़ी तफरी कर लेते हैं, ऐसा सोचने में, मतलब लड़कों के दिमाग में तो ये चीज आती है कि भैया 2 GB डेटा या चलो तफरी कर लेते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ मेरे वो स्टूडेंट्स आएंगे जिनको मुझसे पढ़ना होगा, सिर्फ वो ही लोग अब दिखेंगे, तो ये मेरे लिए तो बहुत सुकून है, बहुत अच्छा है। मैं आपसे सीरियस एस्पिरेंट्स यहाँ पे अब रहेंगे, क्योंकि हमने मिल के साथ में बहुत दिन से हम सोच रहे थे कि क्या ऐसा उपाय निकाला जाए कि यहाँ पे बच्चों का लॉस भी ना हो एंड टीचर को बेइज्जती भी ना फील हो। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया है जीरो टू हीरो बैच, जिसमें आपका कंप्लीट, जो एक कंप्लीट इंग्लिश का बैच है। अब कंप्लीट इंग्लिश का बैच का मतलब क्या, देखो पहले चीज तो कई सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये कंफ्यूजन होगा कि मैम जो हम एसपी बख्शी पढ़ रहे थे क्या अभी भी हम वो एसपी बख्शी पढ़ पाएंगे। पता है स्वप्निल मैम, उससे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि मैम एसपी बख्शी तो आप पढ़ा रहे हो, बेसिक पढ़ाओ। तो इसीलिए पता है मेरा मोटिव ही ये था कि जिनका जो भी छूट गया है कोई बात नहीं, अब एक नई शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा है, मेरा मन ही नहीं है यूट्यूब पे, तो अब मैं नहीं आऊंगी, मन ही नहीं है मेरा। तो एक नई शुरुआत के तौर पे क्या करते हैं, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे जुड़े ही रहना है एसपी बख्शी और पूरा जितना भी आपका सिलेबस है इस बुक के साथ साथ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, भूल जाते हैं पुरानी बातें, जितने भी कमेंट्स थे, जो भी भद्दे कमेंट्स थे भुला देते हैं, ठीक है, और एक नई शुरुआत करते हैं। भुलाए तो वैसे नहीं जाएंगे, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब एसपी बख्शी के संग संग आपको हमारे इस कोर्स में कंप्लीट ग्रामर मिलेगा, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा,
कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आता है अनन्या मैम, आप एक बार बता दीजिए कॉम्प्रिहेंशन में। देखिए कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, देखिए पूरे आपका जितना भी इंग्लिश का सिलेबस है आपको पता है तीन भाग में डिवाइडेड है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है हर्षा मैम, तीन भाग में डिवाइडेड है। चलिए कोशिश करते हैं क्या करें, आप बोलिए। तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पहला पहला होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पहला होता है ग्रामर, ठीक है ना, पहला ग्रामर है, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन है और तीसरा होता है वोकैबुलरी। ये चीज़ मैंने अपनी क्लास में भी कई बार बताई है कि तीन पार्ट होते हैं पूरे पेपर में, पूरा इंग्लिश तीन में डिवाइडेड होता है। ग्रामर में जितने भी आपके टेंसेस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सब एकदम बेसिक बोल रहे हैं ना, एकदम बेसिक सब यहाँ पे कवर होगा ग्रामर पार्ट में। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं, मतलब मैंने इतनी चीज़ें सोच रखी थी दिमाग में कि पूरा पूरा प्लान था मेरे दिमाग में, एसपी बख्शी कराएंगे उसी में एक विकैबलरी कैसे करानी है, मैंने आपको दिखाया था हर दिन मैं आपको नया वर्ड बता रही थी, सब चीज़ें हमारे दिमाग में प्लान चलता रहता है। हम और हर्षा मैम काफ़ी देर तक बात के, बहुत देर देर तक बैठ के आप समझ नहीं सकते कितनी मेहनत लगती है सिर्फ एक फ्री लेक्चर को प्लान करने में, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको जो फ्री लेक्चर, तो अब फिलहाल यहाँ पे अनन्या मैम का इतना बड़ा डिसीजन है कि नहीं हम लोग कर पाएंगे, तो यहां पे आपको ग्रामर मिलेगा पूरा बेसिक से, कॉम्प्रिहेंशन में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट या फिर पैरा जंबल्स जो PQRS होते हैं वो PQRS भी आपको मिलेंगे कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में, एंड वोकैबुलरी जो कि आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड आपका जितने भी होते हैं प्रोवर्ब्स या फिर जितने भी आपके idioms एंड phrases होते हैं वो सब भी आपको ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन वोकैबुलरी आपकी एसपी बख्शी के साथ साथ मिलेगी हमारे नए बैच में जो कि हम लॉन्च कर रहे हैं। बैच का नाम है जीरो टू हीरो। जीरो टू हीरो का सिंपल सा इतना सा मतलब है, आपने देखा होगा बहुत सारे आपके जीरो टू हीरो बैचेस लॉन्च हैं, आप देखोगे हमारे प्लेटफॉर्म पर आओगे तो आपको सबसे पहले जीरो टू हीरो बैच मिलेगा। अब इस बैच में क्या क्या है एक बार मैंने बता ही दिया है आप सभी को, आप देखिए इंग्लिश का बैच है। अब देखो यहाँ पे गाइज जो फीस है बैच की, ठीक है, फीस बैच की इतनी बेसिक रखी गई है गाइज, अब आपको मैं फैक्ट बताऊं, यहाँ पे अनन्या मैम तो है यहाँ पे, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पे ऑपरेशंस पार्ट देखती हूँ, ये जो हमारा स्टूडियो है ना पूरा स्टूडियो लगता है 15 लाख रुपए का, जो बोर्ड आप देख रहे हो ना 7.5 लाख 8-8 लाख के बोर्ड्स आते हैं, फिर स्टूडियो की लाइट्स, माइक, सब कुछ मिला के 15 लाख, हमारी तो लागत भी नहीं निकल रही है। आपको पता है बैच का प्राइस जो है ना हमने क्या रखा था, आप देख सकते हो बैच का प्राइस, बैच के प्राइस के बारे में अनन्या मैम आपको बताएंगी इसकी पूरी पीछे की कहानी। देखिए आपको अभी स्वप्निल मैम बता रही थी कि कितनी लागत आती है आपके लिए कुछ भी हम प्लान करते हैं उसके लिए, ठीक है ना, तो इसकी जो लागत थी मतलब जो भी लग रहा था कि पूरा बैच प्लान करने में कितना निकलेगा, एक तो हमने जो अप्रोक्स कैलकुलेट किया था वो आ रहा था 599, ठीक है ना, 599 इसकी वैल्यू है। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी स्वप्निल मैम से, काफ़ी दिनों तक इनफैक्ट हमारा डिस्कशन चला था, बहुत ज़्यादा मालविया सर से मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने स्वप्निल मैम से रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा सा प्राइस कम करते हैं ना, अभी तो शुरुआत है, थोड़ा सा प्राइस कम करते हैं जिससे मेरे बच्चे जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो तो मुझसे जुड़ पाए। स्टार्टिंग में सब लोग, मुझे खुद लग रहा है कि अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो 600 रुपये मेरे लिए भी मायने रखते हैं, है ना, एक कोर्स लेने के लिए, एक सब्जेक्ट का कोर्स लेने के लिए। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट पे कि मुझे बस जुड़े रहना है आप लोगों से, मेरा सिर्फ एक मकसद है आप लोगों से जुड़े रहना बस, तो उसके लिए मैंने कम करवाया है। बहुत मैंने रिक्वेस्ट करी है मालविया सर से और स्वप्निल मैम से कि एक स्टार्टिंग में देखते हैं अगर मेरे स्टूडेंट्स को मुझ में इंटरेस्ट आ रहा है, पढ़ाई में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई 399 का ही बैच लॉन्च करके देखते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है ना। अगर आपको पसंद आ रहा है, और पता है ये 399 का सिर्फ 3 दिन के लिए हो पाएगा, सिर्फ 3 दिन के लिए हो पाया है, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी है, सो अपने मैम ने बोला नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मालविया सर ने बोला इतनी तो हमारी लागत भी नहीं आती है, 2 स्टूडियोज है हमारे पास, मतलब मैं बता रही हूँ ना 15-20 लाख एक स्टूडियो में लग रहा है, पूरी कैसे निकल पाएगी आप खुद बताइए, हम भी समझ रहे हैं आप भी समझो, नहीं निकल पाता है इतना तो। लेकिन 3 दिन के लिए, 3 दिन सिर्फ इसलिए कि मेरे स्टूडेंट्स एक बार मेरे पास गैदर हो जाए, इकट्ठा हो जाए, मुझे समझ में आ जाए कि मेरे जो जेन्यून स्टूडेंट्स हैं वो कौन है। तो 3 दिन के लिए आपके लिए मैंने कम करवाया है, याद रखना सिर्फ 3 दिन के लिए कम करवा पाई हूँ, जो है 399। उसके बाद से वापस ऐसा नहीं है कि उसके में भी आपके अभी नहीं अफोर्ड कर पाओ, बाद में आप 600 का भी ले लो तो उसके बाद भी इसकी वैल्यू हो जाएगी 600। लेकिन अभी कोशिश करो कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हो सब लोग मेरे पास आ जाओ, योर क्लासेस ऐप पे आ जाओ 399 का लेने,
ठीक है ना। तो अब सबसे पहले जो इसका लिंक है कोर्स का, वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे डलवा दिया है, लेकिन मैं एक बार मुँह जवानी आपको बता दूँ कि किस तरीके से आपको मिलेगा, ये पूरा गाइड कर देती हूँ आपको। आपको गूगल पे पे, गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्या टाइप करना है, वहाँ पे सर्च करना है आपका नाम क्या है, हमारे योर क्लासेस, ठीक है ना, ऐप है योर क्लासेस। और पता है मेरा इंटेंशन क्या था, कि मेरे पास भीड़ ना रहे, सिर्फ मेरे पास सिलेक्टिव मेरे स्टूडेंट्स रहे। सिर्फ इस वजह से हमने मेरे कोर्स को लैप, हमने ऐप पे ट्रांसफर किया है। आपको क्या सर्च करना है, सिर्फ योर क्लासेस, स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, YOURCLASSES, योर क्लासेस। आप यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ पे आपको ये सर्च वाला सिंबल दिखेगा ना प्ले स्टोर पे, वहां पे सर्च करोगे योर क्लासेस आ जाएगा लिख के। योर क्लासेस आप जैसे ही डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल जैसे ही करोगे, सबसे ऊपर आपको मेरा कोर्स दिखेगा, सबसे ऊपर आपको ये चीज वहां पे दिखेगी, मेरे कोर्स का बैनर। एंड फिर से बता दूं, सिर्फ 3 दिन के लिए है, सिर्फ 3 दिन के लिए प्राइस ये है। तो मेरे स्टूडेंट्स इतने हैं, मैं चाहती हूँ कि 3 दिन में सब मेरे पास इकट्ठा हो जाओ, हमारी टीम एक तरीके से बन जाए, हम 3 दिन के बाद तुरंत, 3 दिन के बाद क्या, 3 दिन का आप पैकेज लो, उसके बाद हम तुरंत अपनी पढ़ाई शुरू कर दें, बेसिक, बिल्कुल बेसिक से। जैसे सपोज आज के पहले आपने इंग्लिश वर्ड नहीं सुना था, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, अगर वहां से भी आप स्टार्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल हम साथ साथ, मैं आपका हाथ पकड़ के एकदम साथ साथ ले चलूंगी, किस तरीके से मैंने पढ़ा है, किस तरीके से और आसान बनाई जाती है, मैं और मेहनत करूंगी और रिसर्च करूंगी कि किस तरीके से, मतलब मैं सीखूंगी, मैं खुद भी ट्राई करूंगी कि और किस तरीके से आसान बनाया जाए आपके लिए इंग्लिश को, किस तरीके से ईजी बनाया जाए, तो उतना आसान बना के, ईजी बना के। लेकिन फिर यही बात है ना, आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए, मेरे पास रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए एट द एंड ऑफ द डे मैटर कौन करता है, मेरे स्टूडेंट्स कैसे हैं, वो मेरे को रिस्पॉन्स कैसा कर रहे हैं, सिर्फ मेरे लिए यही मैटर करता है। मैं सिर्फ इस प्लेटफॉर्म पे आई थी, जब मैंने नया नया ज्वाइन किया था मालविया क्लासेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं थे मेरे, कुछ स्टूडेंट्स मुझे पहचानते थे पिछले चैनल से, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट्स थे। धीरे धीरे आप लोग इतने ज़्यादा बढ़ गए हो और इतने ज़्यादा मुझे प्यार दे रहे हो, लेकिन फिर यही बोलते हैं ना, कुछ लोग होते हैं सिर्फ भद्दे कमेंट्स पास करने आते हैं, तो वो चीज़ मुझे इतनी बुरी लग गई है अब कि मतलब यूट्यूब पे तो मैं नहीं आ पाऊंगी, इतनी भीड़ मुझे चाहिए नहीं यार, भीड़ मतलब मेरे साथ तो ये, जितनी भीड़ आओ उतनी कमाई होनी है, कमाई तो करनी नहीं है, ठीक है ना, कमाई जितनी हो रही है ठीक है, लेकिन मेरा मकसद क्या है, जो अटैचमेंट है हमारा, जो रिलेशन है हमारा, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी कमाई तो वही है जितने मैं स्टूडेंट्स कमा रही हूँ, जितने रिलेशन जो आप लोगों से बन रहा है, तो वो बनाने के लिए सिर्फ, पता है, आप खुद समझिए, दिमाग लगाइए, अगर थोड़े से, अगर जिसको तफरी करनी है वो ना, वो 1 रुपये नहीं देगा, जिसको तफरी करनी है वो नहीं देगा, ठीक है ना, जो सीरियस होगा, जिनको मुझसे पढ़ना होगा, जुड़ना होगा, सिर्फ वही लोग, सिर्फ वही लोग आएंगे। इतने बुरे कमेंट्स मैंने देखे हैं, एक दिन ऐसा हुआ था, मेरी मम्मी देख रही थी, मतलब आप फोन यूट्यूब खोलो, वैसे मम्मी लोग को इतनी नॉलेज होती नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी को काफ़ी नॉलेज है, यूट्यूब खोला उनने, सबसे पहले मेरा सजेशन आ रहा था, अनन्या सिंह का चल रहा है, कुछ 1.5-2 हज़ार बच्चे देख रहे हैं लाइव, ठीक है ना। अब मम्मी ने खोल लिया, आपको पता है लाइव खोलते ही सबसे पहले कमेंट्स खुलते हैं, सबको पता है ना कि लाइव, जैसे अभी मैं अपना फ़ोन खोलूं, मैं आप लोगों का अभी कमेंट्स देख नहीं रही हूं, फ़ोन खोलूं सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लाइव कमेंट्स दिखना शुरू होते हैं ना, सबसे पहले लाइव कमेंट्स दिखते हैं। तो मम्मी ने ऐसे ऐसे वर्ड्स उसमें देख लिए, ऐसे ऐसे इमोजी देख लिए, अब सोचिए मेरी मम्मी को समझ में आ गया कि ये गंदा है, भद्दा है, तभी उनने मुझे रोका कि नहीं मत पढ़ाओ, कोई बात नहीं, तुम ट्यूशन भले पढ़ा लो, लेकिन यूट्यूब पे मत पढ़ाओ, ठीक है ना, अपनी तैयारी करो या ट्यूशन पढ़ाओ, यूट्यूब पे मत जाओ। कितने अच्छी जगह से मुझे ऑफर्स आ रहे हैं, मम्मी कह रही हैं आप ऑफलाइन जाके पढ़ाओ, ऑफलाइन स्टूडेंट्स तो ऐसा बिहेव नहीं करेंगे ना, लेकिन फिर यही है कि यहाँ वाले तो मेरे स्टूडेंट्स छूट जाएंगे, यहाँ जो मुझसे सच में पढ़ने आ रहे हैं वो तो छूट जाएंगे अगर मैंने ये प्लेटफॉर्म छोड़ दिया तो। प्लेटफॉर्म तो अब चलो छूट ही रहा है, क्योंकि यूट्यूब पर तो मैं नहीं ले पाऊंगी इस तरह के कॉमेंट्स, क्योंकि हम कितना रोकें, कितना ब्लॉक करें, ये कॉमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना, ये कॉमेंट्स आने ही आने हैं, मैं जितना भी ब्लॉक कर लूँ तो। फिर लेकिन अब स्टिल यही बात थी कि सबके लिए, मतलब कुछ गंदी मछलियों के लिए हम पूरे समंदर को गंदा तो नहीं होने दे सकते हैं ना, तो कुछ कमेंट्स के चलते हम सबका लॉस नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर एक बार आप लोग को स्वप्निल मैम थोड़ी सी डिटेल देंगी इसके बारे में कि आप मतलब किस तरीके से ले सकते हो इसको। गाइज देखिए यहाँ पे गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को पहले चीज़ तो 0 to 0 बैच के बारे में आप लोगों को पता होगा। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पे हमें, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है इंग्लिश की, इसीलिए हम लोग
YouTube पर भी ये चीज कोशिश कर रहे थे कि बेसिक से पढ़ाएं, तो यहाँ पर भी बैच में हमारी पूरी की पूरी यही कोशिश रहेगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश का, जिनको इंग्लिश का ई भी नहीं आता, जिनको लगता है अरे मैम इंग्लिश तो हमसे हो ही नहीं पाएगी, तो उनके लिए है ये जीरो टू हीरो कंप्लीट इंग्लिश बैच। अब यहाँ पे बहुत सारे मैं देख रही थी स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि मैम यहाँ पे जो फीस है वो शायद हम ना दे पाए, फीस हमारे लिए थोड़ी सी ज्यादा पड़ रही। तो गाइज मैं आपको बता दूं ना, अनन्या मैम ने, हम लोगों ने ये फीस 599 रखी थी, लेकिन अनन्या मैम ने आप लोगों के लिए सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी रिक्वेस्ट करी कि मैम मेरे बच्चे बहुत ज्यादा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो बहुत सीरियस हैं, तो प्लीज मैम उनके लिए एक बार आप ये कर दीजिए कि 3 दिन के लिए ही सही, भले ही 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आप ये कर दीजिए 399 का। तो हम लोगों को लिटरली, आप देखो ना गाइज, हम लोगों को इतना ज्यादा, मतलब 399 एक ऐसी कॉस्ट है ना जो हम लोगों की लागत भी नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि अनन्या मैम हमारे संग बहुत टाइम से एसोसिएटेड है, इसीलिए हम लोगों ने इसकी कॉस्ट 399 करी है, बट ये सिर्फ 3 दिन के लिए है। तो आप में से जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सीरियसली अनन्या मैम से पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि हाँ अनन्या मैम से पढ़ के उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला है, तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो। ठीक है, अनन्या मैम आ चुकी है हमारे संग दोबारा से, तो अब वो बात करेंगी आपसे। तो देखिए दोस्तों, यही बोलना चाहूंगी कि मतलब मुझे लिटरली बीच बीच में लग रहा है कि मैं बात ही नहीं कर पाऊंगी, ऐसा मुझे फीलिंग आ रही है कि अब बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर यही है कि आप लोग को बात करके पूरी जानकारी तो देनी ही है। तो फिर क्योंकि मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, मतलब मैं कुछ भी करूं, मैं, मेरे दिमाग में वही कॉमेंट्स चलते रहते हैं। आप लोग ने सच में देखे हैं ना कैसे कॉमेंट्स मेरे लिए आते हैं, बताओ देखे हैं कि नहीं, कैसे कमेंट्स मेरे लिए आते हैं, बस वही मेरे दिमाग में चल रहा है कि इस तरीके के कमेंट्स मेरे लिए आ रहे हैं। सच में मैं आपको पढ़ाने आ रही हूँ मेहनत करके, मेरे लिए आप ऐसे कमेंट कर रहे हो, मतलब कितना बुरा, एक टीचर को एज अ फैकल्टी मुझे कितना बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मेरी रिस्पेक्ट करोगे, और आप कर क्या रहे हो ऐसे कमेंट्स। तो देखिए चलिए, ये बातें तो बात की हैं, हमें क्या फोकस करना है कि मैं किस तरीके से आपकी मदद कर सकती हूँ, किस तरीके से उन लोगों की मदद कर सकती हूँ इन सब के चलते कि जो मुझसे सच में पढ़ने आते हैं, तो उन लोगों की मदद हम कैसे कर सकते हैं, उन लोगों को अलग से पढ़ाया जाए जो मेरे क्रीम होते हैं, बोलते हैं ना क्रीम स्टूडेंट्स होते हैं, बाकी सब छाछ और दूध हैं, जो मेरे क्रीम स्टूडेंट्स हैं ना जो मुझे सच में पढ़ने आए हों, उनको मैं कैसे पढ़ाऊं, बेसिक से एकदम मुझे पढ़ाना है, मतलब परेशान मत हो यार, पूरी इंग्लिश कंप्लीट करवाऊंगी एकदम बेसिक से उठा के। मैंने बताया ना कि जिनको बिल्कुल इंग्लिश आती नहीं है, आज से पहले आपने अगर पढ़ी भी नहीं है इंग्लिश तो भी आप मेरे साथ सीखोगे, अगर नहीं पढ़ी है एकदम तो भी सीखोगे मेरे साथ बिल्कुल। जैसे पहला कौन सा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, टेंस, SP बख्शी का मैंने आपको टेंस पढ़ाया है, आप लोग को कैसा लगा वो पढ़ के, कुछ तो मेरे पास कमेंट्स इतने अच्छे आए थे ना, अच्छे आप कमेंट करते हो तो भी मुझे खुशी ही मिलती है। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला था, अभी मैं कमेंट देख रही थी अपने पिछली वीडियोस का, क्योंकि कमेंट तो हम देखते ही हैं, ठीक है ना, तो हम पिछली वीडियो का कमेंट देख रहे थे, एक स्टूडेंट बोल रहा था मैम आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, आप ऑफलाइन भी पढ़ाओ, क्योंकि इतना अच्छा आप हिंदी में एक्सप्लेन करते हो ना कि लगता है कि अब तो पार है, नैया पार है, एग्जाम क्लियर ही होगा। तो मतलब इतना अच्छा लगा था उस कमेंट को देख के, अच्छे कमेंट्स मिल रहे हैं लेकिन बुरे कमेंट इतने ज़्यादा मिल रहे हैं कि अच्छे वाले क्या कह रहे हैं ना, अच्छे वाले छुप जाते हैं बुराई में। तो लेकिन बुरा लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, बुरा लगेगा ही ऑब्वियसली, इस वजह से बस यही है कि YouTube पे अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, YouTube पे पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, आप समझिए ना, मेरा भी समझिए, बुरा मुझे लग रहा है, आप मेरा भी तो एक बार सोचिए, समझिए मुझे ना कि मतलब कैसे मैं पढ़ाऊँ, मैं फिर आऊँगी फिर वही होगा, कितनी बार मैं मालविया सर से शिकायत करूंगी आप बताओ, कितनी बार मैं स्वप्निल मैम से जाके शिकायत करूंगी मैम ऐसा कमेंट आ गया, कोई बच्ची तो मैं हूं नहीं, बच्ची नहीं हूं तो आप ऐसे कमेंट करोगे, तो मैं कितनी शिकायत करूं, मुझे शिकायत करना भी तो बुरा ही लग रहा है ना, कितनी मैं शिकायत करूं कि नहीं आज तो उसने ये इमोजी, मतलब मुझे बताने में शर्म आती है यार, कि मतलब मैं उनको क्या बताऊं, पूछते हैं क्या कमेंट आया, अब मैं क्या बोलूं, इतना मुझे गंदा, इतना एम्बैरसिंग लगता है कि मतलब मैं क्या बताऊं उनको कि क्या कमेंट आया है। तो बस अब मैं क्या बोलूं, मतलब ठीक है कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं ना कि मतलब मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं, मतलब मालविया सर भी बैठ के देखते ही होंगे, मुझे उनसे बात करने में अजीब सा लगता है, एम्बैरेसमेंट होता है कि ऐसे कमेंट्स मेरे लिए आते हैं। चलिए आप मेरी तारीफ करो, अच्छी बात है तारीफ करो, तारीफ और भद्दे कमेंट्स में डिफरेंस आप सबको पता है, आप इतने बड़े हो, इतनी नॉलेज है आपको कि सबको डिफरेंस पता है कि तारीफ क्या होती है, भद्दे कमेंट्स क्या होते हैं, है ना, तारीफ से कोई इशू नहीं है यार, लेकिन भद्दे कमेंट्स का डिफरेंस तो समझो, क्या चीज़ टीचर को बुरी लग सकती है, ठीक है ना। तो चलिए फिर, बहुत बातें हो गई हैं आप लोगों से, अपनी दिल की बात मैंने बोल दी है, अपना दिल खोल के रख दिया है, कैसा मुझे फील होता है,
अच्छे कमेंट्स में कैसी फीलिंग आती है, बुरे में कैसी फीलिंग आती है, सब बता चुकी हूँ। तो बस ठीक है, जिनको आना है, जो मेरी क्रीम है, जो मेरे जेम्स हैं, वो मेरे साथ जुड़ जाएंगे। अब जिनको नहीं जुड़ना है, जिनको जो सिर्फ भद्दे कमेंट्स करते थे, उनका तो अब वो अब नहीं आ पाएंगे मेरे साथ, बस मुझे इस बात की खुशी है। तो मिलते हैं आप सबसे यूट्यूब पर, तो मैं अब नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है वो कमेंट्स देखने की। आई एम सॉरी कि मैं यूट्यूब पे अब नहीं बढ़ा पाऊंगी, ऐसे कमेंट्स देखकर नहीं हो रही है हिम्मत। चलिए फिर मिलेंगे आपसे बैच के अंदर, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पूरा सिलेबस कराएंगे, याद रखना, बेसिक से एकदम एडवांस तक, जिससे मेरा बैच लेने के बाद, मुझसे पढ़ने के बाद ना, आपको लगे कि नाउ यू आर एन इंग्लिश एक्सपर्ट, फीलिंग आए कि भैया अब हो, अब आती है इंग्लिश, ठीक है ना। चलिए फिर ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।